बजाज नाम से आज के समय में कौन वाकिफ नहीं होगा, और 90s के दौर में टीवी पर चलने वाले मशहूर स्कूटर एडवर्टाइजमेंट हमारा बजाज तो जैसे आज भी हमारी यादों में है। बजाज ग्रुप जो ऑटोमोबाइल, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स में डील करता है। लेकिन आज हम बजाज कंपनी की नहीं बल्कि बजाज के फाउंडर की बात करेंगे, एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम कई बड़ी अमीर शख्सियतों में शुमार था। इसके बाद भी वो लोअर मिडिल क्लास जीवन जीते थे। एक बड़े उद्योगपति होने के बावजूद भी जो सादगी भरा साधारण सा जीवन जीने में विश्वास करते थे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेठ जमनालाल बजाज की, जिनका जन्म भले ही एक गरीब घर में हुआ था लेकिन किस्मत में वो अमीरी लिखा कर आए थे। करोड़ों अरबों का साम्राज्य यानी बजाज ग्रुप को खड़ा करने वाले और महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र माने जाने वाले सेठ जमनालाल बजाज न सिर्फ एक उद्योगपति थे बल्कि एक सच्चे देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और समाज सुधारक भी थे। तो चलिए वीडियो में डिटेल से जानते हैं कि गरीब घर में पैदा हुए जमनालाल आखिर कैसे बने सेठ जमनालाल बजाज, आखिर कैसे इन्होंने बजाज ग्रुप की स्थापना की, और साथ ही जानेंगे समाज सेवा से जुड़े इनके कार्य और किस तरह इन्होंने देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के मुख्य अनुयायी के रूप में बढ़ चढ़कर कार्य किया। सब कुछ जानने के लिए बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1889 को राजस्थान की जयपुर रियासत के सीकर में काशी का बास नामक गांव में गरीब मारवाड़ी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कानी राम, जो कि खेती किसानी करते थे, जबकि इनकी माता बिरदी बाई एक हाउसवाइफ थी। बात है 1894 की, जब 5 साल के जमनालाल अपने घर के बाहर खेल रहे थे। उसी समय वर्धा के रहने वाले अमीर व्यापारी सेठ बख्शराज और उनका परिवार काशी की बास गांव में मंदिर की तरफ जा रहे थे। तभी सेठ बख्शराज की नजर घर के बाहर खेलते हुए जमनालाल पर पड़ी तो बालक को देखकर सेठ बहुत अधिक प्रभावित हुए और काफी अच्छी तरह से समझाने के बाद फाइनली जमनालाल को सेठ ने पोते के रूप में गोद ले लिया। इसके बदले में सेठ बख्शराज बजाज ने काशी का बांस गाँव के एक कुएं का निर्माण करवाया ताकि गाँव वालों की मदद हो सके। आपको बता दें कि सेठ बख्शराज ब्रिटिश राज में एक प्रसिद्ध और सम्मानित व्यापारी थे, साथ ही वे जमनालाल के पिता कनी राम के दूर के रिश्तेदार भी थे। इस तरह से सेठ बख्शराज और उनकी धर्मपत्नी सादी बाई बख्शराज ने जमनालाल को पोते के रूप में गोद लिया और अपने साथ वर्धा ले आए। यूं तो ये दोनों राजस्थान के मशहूर अमीर व्यापारी कपल थे, लेकिन व्यापार के सिलसिले में महाराष्ट्र के वर्धा शहर में जाकर बस गए थे। इस तरह सेठ बख्शराज के द्वारा एक गरीब किसान का बेटा गोद लेने के बाद जमनालाल बन गए सेठ जमनालाल बजाज। लेकिन सेठ जमनालाल को यह अमीरी नहीं बाती थी, यानी ऐश और आराम से जीना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जमनालाल केवल 4th कक्षा तक पढ़े थे, जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे सेठ बख्शराज के गाइडेंस में व्यापार के सारे गुर सीखते गए, जैसे बही खाते को मेंटेन करना, बाइंग एंड सेलिंग जैसे स्किल्स। और इस तरह से जमनालाल ने सेठ बख्शराज के पारिवारिक व्यापार को संभाला। उस समय बाल विवाह का चलन था तो जमनालाल की शादी 13 साल की एज में वर्धा की रहने वाली जानकी देवी से हो गई, जो शादी के समय 9 साल की थी। सेठ बख्शराज बजाज ने 1905 में महाराष्ट्र में कॉटन फैक्ट्री की शुरुआत की, जहां से जमनालाल बजाज को काफी कुछ सीखने को मिला, जैसे मार्केट को एनालिसिस करना, बड़े व्यापारियों से मिलना जुलना और बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहरों में ट्रेवल करना। सेठ बख्शराज की मृत्यु तक तो जमनालाल व्यापार व्यवसाय में पूरी तरह से स्किलफुल हो चुके थे। मात्र 17 साल की छोटी उम्र में बजाज का पारिवारिक कारोबार संभालने वाले सेठ जमनालाल ने एक के बाद एक कई कंपनियों की स्थापना की। अमीर परिवार में पले बढ़ने के बाद भी फिजूल खर्ची और मौज मस्ती जमनालाल जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक ऐसा ही दिलचस्प किस्सा आपके साथ शेयर करता हूँ। जब सेठ बख्शराज अपने परिवार सहित एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तब हर कोई चाह रहा था कि वो कुछ ऐसा पहने जिससे कि शादी फंक्शन में शाही दिख सके। इसलिए सेठ बख्शराज ने जमनालाल से कहा कि वो हीरे पन्नों से जड़ा हुआ हार पहने, लेकिन फकीरी को पसंद करने वाले जमनालाल ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस बात को लेकर सेठ जमनालाल और उनके दादा सेठ बख्शराज के बीच अनबन गई और मात्र 17 साल की उम्र में जमनालाल घर छोड़कर चले गए। इसके बाद तो जमनालाल ने स्टैम्प पेपर पर एक पत्र सहित यह लिखकर भेजा कि उन्हें उनकी दौलत एवं संपत्ति से कोई लगाव नहीं है। जमनालाल ने पत्र में लिखा था कि मैं घर से शरीर को कवर करने वाले कपड़े के अलावा और कुछ नहीं लेकर जा रहा हूँ, यह पैसा आपका है और जो चाहे वो इसके साथ आप करें। आप इस बात को लेकर अश्योर्ड रहे कि मैं जीवन में कभी भी आपका एक भी पैसा लेने के लिए लॉ एंड कोर्ट नहीं जाऊंगा। लेकिन सेठ बख्शराज का जमनालाल पर काफी था।
इसलिए उन्होंने जमुना लाल को ढूंढ ही लिया। जैसे तैसे करके उन्हें घर आने के लिए मनाया गया और फाइनली वह घर आ गए, लेकिन सेठ बक्शराज बजाज की संपत्ति का त्याग कर चुके थे। इसके बाद विरासत में मिली हुई संपत्ति को भी जमुना लाल जी ने दान के रूप में ही खर्च किया। सेठ जमुना लाल कुल मिलाकर अपने देश के लोगों को सौंप करना चाहते थे और अंग्रेजी हुकूमत को कड़ा सबक सिखाना चाहते थे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने बजाज ग्रुप की स्थापना की। सेठ जमुना लाल को इस बात का अंदेशा हो चुका था कि ब्रिटिश व्यापारी और ब्रिटिश कंपनीज भारत से अच्छी क्वालिटी के रॉ कॉटन मटेरियल को सस्ते दामों में खरीद कर ले जा रहे हैं और उस कॉटन से तैयार कपड़े को फिर से भारत लाकर ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। इस तरह से मार्केट पर पैनी नजर रखकर वे व्यापार में महारत हासिल कर रहे थे। साल 1915 में जमुना लाल ने बॉम्बे में एक बक्शराज जमुना लाल नाम से ऑफिस खोला और सब कुछ ठीक चल रहा था। बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जब कई भारतीय व्यापारियों ने अंग्रेज सरकार की आर्थिक मदद की थी, ठीक वैसे ही सेठ जमुना लाल ने भी ब्रिटिश सरकार को आर्थिक सहयोग दिया था, जिसके चलते अंग्रेज सरकार ने जमुना लाल को हॉनरी मजिस्ट्रेट यानी मानद मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। जब सेठ जमुना लाल ने अंग्रेजों को वॉर फंड में धन दिया तो उन्हें राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने ब्रिटिशर्स को किसी भी तरह का मॉनेटरी हेल्प करना बंद कर दिया। पारिवारिक धन दौलत से कोई मोह न रखने वाले जमुना लाल को एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो एक ऐसे रास्ते पर ले जाए जिस पर वो सच में चलना चाहते थे। जमुना लाल कई सारे फेमस नॉन फेमस पर्सनालिटीज से मिले, जैसे साधु संत, धार्मिक पुरुष, नेता, लेकिन उन्हें कोई प्रभावित न कर सका। लेकिन महात्मा गांधी यानी बापू से मिलने के बाद जमुना लाल काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए और आगे चलकर जमुना लाल और महात्मा गांधी के बीच एक मजबूत रिश्ता बना। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे तो सेठ जमुना लाल बापू से मिलने अहमदाबाद के सत्याग्रह आश्रम पहुंचे, जहां बापू की जीवन शैली और सिद्धांतों से वो काफी हद तक प्रभावित हुए, जैसे अहिंसा और गरीबों के प्रति समर्पण। गांधी जी से बातचीत के बाद तो सेठ जमुना लाल पूरे तन मन और धन से महात्मा गांधी का सहयोग करने लगे, मानो जमुना लाल जी ने अपना पूरा जीवन गांधी जी के मिशन और कार्यों को समर्पित कर दिया हो। देखा जाए तो आज भी बजाज के सेवा ट्रस्ट समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि जमुना लाल बजाज महात्मा गांधी के बड़े अनुयायी थे और उनके बेहद करीबी माने जाते थे। यही नहीं, बाद में गांधी जी ने भी उन्हें अपने बेटे की तरह मानना शुरू किया। बापू उन्हें अपना पांचवा पुत्र मानते थे। गांधी जी से जुड़ने के बाद 1921 में जब वह असहयोग आंदोलन में जुड़े, तब उन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि अंग्रेज सरकार को वापस लौटा दी। असहयोग आंदोलन के समय जब विदेशी वस्त्रों का पुरजोर बहिष्कार चल रहा था, तब तो सेठ जमुना लाल जी ने सबसे पहले अपने घर के कीमती और रेशमी वस्त्रों को बैलगाड़ी पर लदवा कर शहर के बीचों बीच उसकी होली जलवाई और उनकी पत्नी जानकी देवी ने भी अपने सोने और चांदी से जड़े हुए कीमती वस्त्रों को आग के हवाले कर दिया और महात्मा गांधी से प्रभावित होकर बाद में दोनों ने आजीवन स्वदेशी खादी पहनने का वचन लिया। कुल मिलाकर सेठ जमुना लाल गांधी जी के दृष्टिकोण को समझ चुके थे कि घर का बना हुआ सामान ही भारत के का जवाब है। इसलिए सेठ जमुना लाल ने भारत में ही कई फैक्ट्रीज की स्थापना की, जैसे कॉटन मिल, शुगर मिल आदि। अब स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो साल 1920 में सेठ जमुना लाल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के लिए स्वागत समिति का अध्यक्ष चुना गया और साथ ही उन्हें कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया। इसी नागपुर अधिवेशन के दौरान सेठ जमुना लाल ने महात्मा गांधी जी के सामने एक अजीब सा प्रस्ताव रख दिया, जिससे उन्होंने गांधी जी से अनुरोध किया कि वे उनका पांचवा बेटा बनना चाहते हैं और उन्हें अपने पिता के रूप में गोद लेना चाहते थे। शुरुआत में तो गांधी जी को जमुना लाल का यह प्रस्ताव कुछ अजीबोगरीब लगा, लेकिन बाद में उन्होंने इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी। यही नहीं, साल 1921 में सत्याग्रह आश्रम की एक शाखा शुरू करने के लिए सेठ जमुना लाल विनोबा भावे को वर्धा लाने में सफल रहे। इसके अलावा महात्मा गांधी को भी वर्धा में स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बनाने की सलाह दी थी। अप्रैल 1930 में दांडी मार्च के बाद महात्मा गांधी वर्धा के पास एक छोटे से गांव सेवा ग्राम चले गए, क्योंकि वह ग्रामीण आबादी के करीब रहना चाहते थे, जिसके लिए सेठ जमुना लाल ने 20 एकड़ जमीन भी दान में दी थी। बात है 1923 की, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में सरकारी प्रतिबंध के बावजूद सेठ जमुना लाल ने नागपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आयोजन किया, जिसके चलते उन्हें 3,000 रुपए आर्थिक दंड और 18 महीने के सश्रम जेल की सजा सुनाई गई। इस तरह से सेठ जमुना लाल स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम सेनानी बनकर उभरे। इस तरह से बिना रुके आगे बढ़ते हुए सेठ जमुना लाल ने साल 1926 में बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की स्थापना की, जो आगे चलकर बजाज ग्रुप बना, एक ऐसा बिजनेस ग्रुप जो कि आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है।
अब सामाजिक सुधार और सेवा कार्यों की बात करें तो 17 जुलाई 1928 को वर्धा में लक्ष्मी नारायण मंदिर में रूढ़िवादी हिंदुओं के कड़े विरोध के बावजूद विनोबा भावे के नेतृत्व में दलितों के लिए मंदिर के दरवाजे खोले और उन्हें प्रवेश दिया। यही नहीं, अपने घर के प्रांगण में, खेतों में और बगीचों में स्थित कुओं को उन्होंने दलितों के लिए खोल दिया। इस तरह से जमनालाल जी जाति भेद के विरोधी थे तथा हरिजन उत्थान के लिए प्रयत्नशील थे। यही नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा प्रदान करने और बाद में उनके कम खर्चे में शादी भी करवा देते थे। इसलिए गांधी जी के प्यार से जमनालाल जी का शादी का काका भी कहते थे। इसके अलावा इन्होंने पशुधन की रक्षा और गौ सेवा का काम किया। बजाज ग्रुप को आगे बढ़ाने का काम किया जमनालाल बजाज के बेटे बड़े कमल नयन बजाज ने, जो इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट होने के बाद पिता जमनालाल के बिजनेस बजाज ग्रुप को ज्वाइन कर चुके थे और बजाज स्कूटर, थ्री व्हीलर और प्रोडक्ट्स में डील करना शुरू किया। 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में जेल से रिहाई के बाद जमनालाल वर्धा लौट आए और 11 फरवरी 1942 में मस्तिष्क की नस फट जाने के कारण सेठ जमनालाल बजाज का आकस्मिक निधन हो गया। सही मायने में सेठ जमनालाल एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे, जिनकी याद में गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने, सामाजिक सेवा और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 1978 में जमनालाल बजाज पुरस्कार की शुरुआत की गई। कमल नयन बजाज के बाद बजाज के बिजनेस के बागडोर संभाले उनके बेटे राहुल बजाज ने और वर्तमान की बात करें तो राजीव बजाज बजाज ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कमल नयन बजाज के पोते हैं और राहुल बजाज के बेटे हैं। आज बजाज ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी बजाज ऑटो वर्ल्ड की लार्जेस्ट थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बजाज ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,55,000 करोड़ रुपए है। इनका 105 बिलियन US डॉलर, जिसके अंतर्गत टोटल 40 कंपनीज आती हैं, जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का इंस्पायरिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करें। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मिलेंगे फिर ऐसे यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।